Good morning everyone, welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about the symbols which are used in the maths. To know better about different things and whenever we are going to move anywhere or roam anywhere, either it's America, Germany, Britain, France, the symbols are same everywhere. These are called conventional symbols. यानी जब हम मैप हमारे साथ हो, अगर हमें कहीं भी मूव करें, चाहे किसी भी देश में चले जाएं, अगर मैप है, हमें मैप रीड करना आता है, मैप की जानकारी हमें किस प्रकार रीड किया जाता है, डायरेक्शन किस प्रकार इस्तेमाल की जाती है, मैप का स्केल किस प्रकार इस्तेमाल होता है और सिंबल्स किस चीज के लिए क्या कौन सा सिंबल इस्तेमाल होता है. सो वी डोंट नीड टू नो एनी अदर लैंग्वेज. हमें कोई जरूरत नहीं है कि दूसरी भाषा सीखे. अमेरिका जाए तो वहां इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें या फिर हम जर्मनी जाए जर्मन सीखें. अगर हमें मैप में सारी चीजें अच्छी से आती है, डायरेक्शन किस प्रकार से की जाती है, सिंबल कौन से है, किस चीज के लिए है, तो वी कैन मूव अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार हम चल सकते हैं. तो हमने पढ़ा था कन्वेंशनल सिंबल्स. देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है सिंबल्स को इस्तेमाल करने के लिए कि हर जगह सिंबल एक जैसे इस्तेमाल होंगे. यानी रिवर के लिए अगर सिंबल होगा तो कहीं भी चले जाए रिवर के लिए सिंबल वही होगा और उसमें ब्लू वाटर दिखाया गया होगा. उसी प्रकार पॉन्ड के लिए होगा तो इसी प्रकार की शेप होगी, उसके अंदर ब्लू कलर से वाटर दिखा दिया गया होगा. उसी प्रकार माउंटेन्स की बात करें तो हम कलर किसे कैसा दिखाएंगे, ब्राउन. अगर प्लेट्यूज की बात करें येलो, उसी प्रकार अगर प्लेन्स की बात करें ग्रीन और वाटर की बात करें ब्लू. तो ये हमारा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है कि कौन सा सिंबल किस प्रकार किस चीज के लिए इस्तेमाल होगा. तो हर जगह मैप में वैसे ही होगा, किसी भी देश में चले जाए. तो ये हमने पढ़ा था सिंबल्स. अब हमारे पास अगर इस मैप्स में बात करें तो हमारे पास रिमेनिंग टॉपिक आर स्केच एंड ए प्लान. अब स्केच और प्लान क्या है? स्केच का मतलब क्या होता है? रफ ड्रॉइंग ऑन द बेस ऑफ मेमोरी, हमारी याद के अनुसार. हम जैसे पुलिस की बात करें, अगर कोई क्राइम हुआ हो और वहां किसी व्यक्ति से पूछे कि ये किसने किया, उसने बोला कि सर मैं वैसे तो नहीं जानता लेकिन ऐसी इस प्रकार की शक्ल थी. उसे पूछे किस प्रकार की थी, उसकी दाढ़ी थी कि नहीं, चेहरा किस प्रकार था, स्केच बना देते उसके अनुसार. तो स्केच क्या? मेमोरी बेस पर उसने बताया, दूसरे ने बना दिया. तो स्केच क्या? एक रफ ड्रॉइंग है. यानी उसके अंदर कोई स्केल वगैरह इस्तेमाल नहीं होता कि एक सेंटीमीटर कितने का बना, रफ ड्रॉइंग है. एक एग्जाम्पल और ले लें आप. अगर मान लो आपका कोई दोस्त अब आपके घर आना चाहता है, अब उसके लिए आप ऐसा थोड़े कि पूरा स्केल उसके ऊपर और पूरा मैप बना के देंगे, इस प्रकार ये डायरेक्शन इतना इतना डिस्टेंस. अब रफली बताओगे उसको कि आप ये स्कूल है, यहां से थोड़ा सा इधर चले, यहां से फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमारे पास ये ऐसा स्कूल आ जाएगा, यहां से फिर आप लेफ्ट टर्न ले लें और उसके बाद लेफ्ट टर्न लेने के बाद आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो हाँ इस प्रकार कोई लोकेशन बता दे कि कोई मंदिर है, उसके उसके पीछे की साइड मेरा घर है. तो क्या हमारे पास एक रफ स्केच है. आपने किसी पेज के ऊपर ऐसी लाइन खींची, ऐसे जाए यहां से जब रास्ता आ गया यहां टर्न ले लिया, यहां एक मंदिर है इसके बराबर से आप टर्न लेंगे तो यहां मेरा घर है. तो आपने क्या एक रफ ड्रॉइंग बना दी. ये क्या है? स्केच है. यानी आपके दोस्त ने आपके घर का रास्ता पूछा, आपने रफली बना दिया कि इस प्रकार ऐसे ऐसे जाए आप घर पहुंच जाएंगे. तो ये क्या है? ये स्केच है. स्केच क्या? एक रफ ड्रॉइंग है. यानी इसके अंदर कुछ हम क्या इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार कोई सिंबल इस्तेमाल नहीं करेंगे. मंदिर के लिए हम सिंबल बना के देंगे, हम सब बोलेंगे इस प्रकार मंदिर है. ना हम कोई इसके अंदर स्केल इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये 3 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर होगा. हमने रफ बना के दिया ऐसे जाए, पहली गली मुड़ेगी आप ऐसे मुड़ जाए. तो ये क्या है? स्केच क्या है? एक रफ ड्रॉइंग. स्केच क्या है? एक रफ ड्रॉइंग. इसमें कोई सिंबल कोई स्केल इस्तेमाल नहीं होता. अब हमारे पास नेक्स्ट है प्लान. स्केच के बाद दूसरा हमारे पास है प्लान. ये तो स्केच रफ ड्रॉइंग है. और विदाउट एनी स्केल, कोई स्केल का इस्तेमाल नहीं करते स्केच में, कितने सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर होगा. अब दूसरा हमारे पास मैप नहीं, प्लान. प्लान सीधा सा योजना, स्वभाव सी बात है, ये स्केल के अनुसार होगी. अब प्लान किसके लिए है कि हमें मान लो किसी मैप के अंदर या लक्ष्मण के मैप के अंदर आपको दिखाना अपना स्कूल और स्कूल में आपको दिखाना है कि एक कमरे की साइज क्या है. तो मैप में इतना पॉसिबल नहीं होता, इतनी सारी डिटेल नहीं दी जा सकती. तो उसके लिए क्या करते हैं? रफली एक प्लान बनाते हैं. और इसी प्रकार हम अपने घर का एग्जाम्पल ले लें. हमें अगर कोई घर बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे? प्लानिंग करें कि हमारा ये इतना बड़ा प्लॉट है, इसके इस कॉर्नर में हमारा किचन होगा, ये यहाँ 5 फीट होगी या 8 फीट होगी ये दीवार, उसके बाद इसके साथ में इतनी हम गैलरी छोड़ देंगे, ये हमारा ड्रॉइंग रूम होगा, ये हमारा गेस्ट रूम होगा, ये बीच से फिर इस प्रकार मूव करने के गैलरी छोड़ देंगे.
लेकिन इसमें एक चीज क्या है, स्केच और इसमें अंतर क्या है, स्केच हमने रफ बनाया था, कहीं कोई हमने स्केल इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन यहां स्केल इस्तेमाल होता है। और स्केल कौन सा, लार्ज स्केल। लार्ज स्केल का मतलब क्या है, एक सेंटीमीटर बहुत कम डिस्टेंस को दर्शा रहा है, बहुत डिटेल में बताई जा सकती चीजें। तो उसमें हम बताएंगे हमारा जो ये रूम होगा ये 12x12 का होगा, ये 12 फीट इधर होगा, 12 फीट इधर होगा। तो इसमें हो सकता है हम एक बड़ा अगर ये बना रहे हैं प्लान, तो इसके अंदर हो सकता है एक सेंटीमीटर हमारा केवल एक फीट को दर्शाता हो, यानी एक सेंटीमीटर एक फीट को दर्शाता हो, तो 12 सेंटीमीटर का एक स्केल बनाएंगे इतना बड़ा रूम होगा, 12 फीट हो जाएगा वो। तो ये हमारे यहाँ स्केल के अनुसार बनाया जा सकता है प्लान। तो स्केच क्या है, एक रफ ड्रॉइंग है जिसमें आप रफली कोई चीज ड्रॉ करते हो या फिर किसी को बताते हो कि इस प्रकार ऐसा ऐसा ये रास्ता है, यहां जाना है, इस प्रकार जा सकते हो। लेकिन प्लान क्या है, ये विद स्केल है, आप स्केल के अनुसार बता सकते हो। जैसे आपने घर की प्लानिंग की है कि हमें घर किस प्रकार बनाना, हमारा ड्रॉइंग रूम कितना बड़ा होगा, कौन सी कोने में होगा घर के, यानी कौन सी डायरेक्शन में, उत्तर में होगा, दक्षिण में होगा, उसके साथ साथ हमारा किचन किस प्रकार का होगा, उसके साथ हमारा जो गेस्ट रूम हो किस साइड होगा, कितना बड़ा होगा। तो ये क्या है हमारे, ये प्लान है। तो स्केच और प्लान में डिफरेंस क्या है, स्केच एक रफ ड्रॉइंग है, प्लान स्केल पर बनाई जाती है। प्लान भी ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े स्केल पर, यानी एक सेंटीमीटर बहुत कम डिटेल्स, बहुत सारी दे सकता है, बहुत सारी डिटेल्स होंगी में। और ये सारी चीजें किसी मैप में पॉसिबल नहीं होती, जब हम अपने घर का नक्शा बता दें या बना पाए किसी मैप में, इसलिए हम उसके लिए क्या करते हैं, प्लान का इस्तेमाल करते हैं, एक प्लान स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारा लेसन था जो मैप, ये कंप्लीट। हमने मैप की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स पढ़े। मैप्स की डेफिनेशन क्या थी, इट इज ए ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट, पूरे अर्थ सरफेस का भी हो सकता है पार्ट उसका, ऑन ए शीट ऑफ पेपर, इस पेपर के ऊपर बना दें। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स पढ़े, कौन कौन से, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप। उसके बाद हमने पढ़े डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स, एक मैप को जानने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले हमें डायरेक्शन, स्केल, सिंबल्स। उसके बाद हमने पढ़े कि हमारे पास मैप के अलावा अगर बात करें तो हमारे पास रफ में देखें तो स्केच, जिसमें हम केवल रफ ड्रॉइंग करते हैं, किसी को हमारे घर का डायरेक्शन बताने का प्रयास करें। और प्लान में क्या है, विद स्केल हो सकता है, लेकिन ये लार्ज स्केल पर ज्यादा डिटेल देने के लिए, और हम एक सेंटीमीटर उसमें एक फिट के बराबर ही लें। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट। आई विल प्रोवाइड द क्वेश्चन आंसर इन द पीडीएफ फॉर्मेट, एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द आवर नेक्स्ट लेसन ऑफ हिस्ट्री इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।